जमात इस्लामी हिंद बीड शाखा ने बीड में ब्याज मुक्त बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए राहत अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना की है। इस पद संस्था के उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के सहायक अमीर सैयद जमीर कादरी, सचिव माइक्रो फाइनेंस विभाग जीआईएच महाराष्ट्र मोहम्मद अशरफ, राहत अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के मुख्य प्रचारक डॉक्टर आमिर अली, जिला अध्यक्ष जमात इस्लामी सैयद इफ्तिखार सैयद अनवर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रोग्राम का सूत्र संचालन रफीक परलीकर ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन जमात इस्लामी हिंद बीड के अमीर मकामी सैयद शफीक हाशमी ने किया। प्रोग्राम में अनेक गणमान्य मान्यवर व्यक्ति उपस्थित थे। जो हमारा मिशन है वो मिशन अदल को कायम करना है। जुल्म अगर किसी के भी खिलाफ हुआ है तो उस जुल्म को खत्म करने के लिए उठना है। किसी के साथ भी अगर इनजस्टिस है तो उस इनजस्टिस के खात्मे के लिए हमें उठना है। हमें तरक्की के सिलसिले में आगे बढ़ना है और नई नई राहें हमको सुझाना है, नए नए प्रोजेक्ट सामने लेकर आना है और उन पर काम करने की कोशिश करनी है। तो आज जमात इस्लामी की तरफ से ये जो एक नया महाज है जिस पर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, आप अगर मुसलमानों में जायज़ा लें, मुसलमानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इज्तमाइयतें काम कर रही हैं। हम हर जमात को कदर की निगाहों से देखते हैं और हर एक के काम को हम अपना काम समझते हैं कि हमारा जो एक पूरा एक वसी एजेंडा है एजेंडे में का कोई एक पार्ट वो एक जमात कर रही है, उस लिहाज से उनका काम भी हमारा अपना काम है। हम इस इख्तलाफ को बहुत ज़्यादा अपनी सफ़ों में जगह नहीं देना चाहते हैं। जो कुछ भी हमारे पास ताकत है, जो कुछ भी हमारे पास सलाहियतें हैं, हम उसको मुजतमा रखना चाहते हैं, हम उनको जमा रखना चाहते हैं। अगर हमारी ताकतें आपस ही में बढ़ जाएगी, आपस में लड़ने में अगर वो बढ़ जाएगी तो मुखालिफिन के सामने जो हमारा रौब और जो हमारा दबदबा होना चाहिए गलबे के लिए वो हमारी हवा उखड़ जाएगी। तो हमें अपने दरमियान जो कुछ भी इख्तलाफात है उसको आपस में बैठकर रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो महाज हम लोगों ने मुंतखब किया है बिला सूदी क्रेडिट सोसाइटी का महाज है और आप सब लोगों को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि अब धीरे धीरे दुनिया ये जान चुकी है कि जो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, जो पूरा बैंकिंग सेक्टर इस वक्त काम कर रहा है, ये आज नहीं तो कल पूरी तरीके से कोलैप्स होने वाली है। कई ममालिक के अंदर तो ये कोलैप्स हो भी चुकी है, फिर वहाँ पर हुकूमत को आगे बढ़कर उन लोगों की मदद करनी पड़ी है, उन्हें लिक्विडिटी का इंतज़ाम करना पड़ा है और उनके लोन्स को राइट ऑफ करना पड़ा है। तो ये हुकूमतें लोन्स राइट ऑफ कहाँ से करती है? हुकूमत के पास कोई आसमान से मनो सलवा तो उतर नहीं रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना तो ख़त्म हो चुका है, फिर हुकूमतों के पास इतने खजानों में पैसे कहाँ से आ जाते हैं कि जो इतने बड़े बड़े डिफॉल्टर्स के लोन को राइट ऑफ कर देते हैं? वो मेरा और आपका टैक्स है जो हम पे कर रहे हैं पाबंदी के साथ। वो यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो कुदरत ने यहाँ पर हमें दिए हैं वो यहाँ की आवाम की फलाह बहबूदी के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन वो किसी और के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये जो पूरी इकोनॉमी है आज नहीं तो कल पूरी तरीके से कोलैप्स होगी। अब इस बात की बहुत गुफ्तगू हो रही है और इस पर एक राय बनती चली जा रही है कि इंटरेस्ट फ्री सोसाइटीज़ और इंटरेस्ट फ्री बैंक ये एक अल्टरनेट है, इसको आजमाना चाहिए। और दुनिया अब धीरे धीरे इसकी तरफ लपक रही है और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इसकी ब्रांचेस भी कायम हो चुकी हैं। आपको जानकर ये बहुत हैरत होगी कि मुसलमानों के अलावा भी ऐसे ममालिक जहाँ पर मुसलमानों की तादाद कम है जैसे यूके है, हांगकांग है, वहाँ पर भी इस तरह की इंटरेस्ट फ्री सोसाइटीज़ और इस्लामिक बैंकिंग अपनी विंडोज़ को शुरू कर रहे हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर तरक्की हो रही। दो साल की कोशिशों के बाद जो है ये आज आपके सामने सोसाइटी का इफ्तिताह हुआ। ये जो है ये लोगों ने साबित खदमे के साथ ये किया। अजीज साथियों, हमारी जो 11 सोसाइटीज़ जो चल रहे हैं अल्लाह के फजल से इतने कामयाबी के साथ चल रहे हैं वो कि तकरीबन सोसाइटी के जो ऑडिट रिपोर्ट हैं वो ए ग्रेड आ रहे हैं लगातार। जैसे उस्मानाबाद की भी जो सोसाइटी है तकरीबन 9 साल से ए ग्रेड में है और बाद में भी जो सोसाइटीज़ बने हैं जैसा परभनी है, लातूर है, तुम्हारे नांदेड़ है, परली है, पुसद है, उमरखेड़, यवतमाल, नागपुर, भिवंडी और औरंगाबाद, ये जो सोसाइटीज़ हैं इनके रिपोर्टिंग जो है बहुत फेयर हैं। भी जो है भरपूर था उनके, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
और ऐसे तमाम नाम जिनके नाम नहीं ले सके दिए जा सके, वो तमाम के लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनके उस अमल को जो उन्होंने ताउन किया इस अहले खैर के काम में शर्फ़ कबूलियत बख्शे।